Hello everyone, this is Ashoka and you are watching YouTube channel called Photo Factory. Today I am going to answer some questions which has been asked by my viewers or asked by the viewers of this channel Photo Factory. So let's see which are the questions. तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो रहेगा मेरे चैनल पे जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने में। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल जिनका मैं जवाब अभी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश रॉय के द्वारा, आपका नंबर मिल सकता है क्या? तो जी हाँ, मेरा नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सर व्हाट रैंक रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन फॉरेस्ट्री एंड एग्री इन BAU? ये क्वेश्चन है सारा थापर, मुझे लगता है झारखंड के ही ये हैं, और इन्होंने पूछ रहे हैं कि कितना रैंक तक BSc एग्रीकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इस चूँकि अभी सीट काफ़ी बढ़ गया है 2018 से हर जगह पर, और बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, साथ साथ 7 मोर कॉलेजेस खुल गए हैं, तो सीट काफ़ी बढ़ गया है कुल। इसका मतलब आप अगर 1000 रैंक तक, अगर आप JCC यानी झारखंड कंबाइंड में अगर आप 1000 तक रैंक लाते हैं तो आपको BSc एग्रीकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री मिलने का उम्मीद है। BSc हॉर्टिकल्चर का कोर्सेज चालू हो गया है, फिशरीज है, डेयरी है और वेटनरी है, तो इन सारे कोर्सेज में आप अपना नाम दर्ज करा के अपना डिग्री ले सकते हैं और अपने जीवन में उड़ान भर सकते हैं। सर एट व्हाट रैंक इन ICAR आई गेट BAU रांची स्टेट यूनिवर्सिटी, प्लीज़ रिप्लाई। ये है मोहम्मद माज, इस बंदे का नाम है मोहम्मद माज। इनका कहना है कि हम ICAR में कितना रैंक लाएंगे तो मुझे BAU का बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा। अगर आप ICAR के द्वारा इस स्टेट यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बाहर से, दूसरे स्टेट से हैं। अगर झारखंड के हैं तो ICAR से ज़्यादा आसानी आपको स्टेट यानी कि JCSC झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम दे करके आने में ज़्यादा आसानी होगी। और देखिए, रैंक एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जितने लोग लेते हैं, मान लीजिए 1/1000 तक, 1 से 1000 तक रैंक वाले ले लिए, लेने के बाद वो खाली कर दिए, सीट छोड़ दिए किसी कारणवश, तो ऐसा होता है कि 1000 से ऊपर वाले लोगों को बुलाया जाता है सेकंड काउंसलिंग के लिए, थर्ड काउंसलिंग के लिए, फोर्थ काउंसलिंग के लिए, और उनको एडमिशन मिलता है। इसीलिए आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक लाने का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया कुमारी, भैया मेरा ST कैटेगरी से 267 रैंक है और CML रैंक 2273 है, क्या मैं BAU में एडमिशन ले सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। तो काफ़ी लोगों ने एडमिशन के समय या एग्ज़ाम देने के बाद रैंक को यहाँ मेंशन करके पूछे हैं कि एडमिशन मिल सकता है क्या। तो कैटेगरी रैंक है 267, इसका मतलब आपको एडमिशन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिलेगा सोनिया कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्लेसमेंट होता है ? या फिर बस डिग्री ले लो, रूपम शर्मा। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल है, इनका सवाल है कि क्या बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट की कोई व्यवस्था है या फिर सिर्फ डिग्री लेके चले जाओ। तो रूपम शर्मा, आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, और नहीं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो प्राइवेट जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप है, और आज का डेट एंटरप्रेन्योर्स बनने का ज़माना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस की और एंटरप्रेन्योर्स बनने की ओर, तो आप इसमें भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। बस सकते हैं कि आपको अपने से अच्छे मन लगा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने जो कोर्सेज में एडमिशन लेंगे उसको आपको ध्यान से अध्ययन करना होगा और आपको जॉब निश्चय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कुमार, भाई ये सारा बच्चा रांची का ही है या दूसरे जगह का? आशीष कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग राज्य से, इवन फॉरेन से, लाइक अफगानिस्तान से, भूटान से बच्चे आते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और वो अपना नाम दर्ज करा करके डिग्री लेके जाते हैं और अपने फील्ड में अच्छा, बहुत ही अच्छा करते हैं। एक और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गौतम मेहता नाम है, देवघर गोड्डा और गढ़वा में कौन सा कॉलेज अच्छा है BSc एग्रीकल्चर के लिए? दोस्त गौतम मेहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपेयर, ये जो भी न्यू ब्रांचेस खुले हैं, न्यू इंस्टीट्यूशन खुले हैं बिरसा एग्रीकल्चर के, सब न्यू है,
तो इसमें बताना मुश्किल है कि कौन सा में अच्छा होता है बीएससी एग्रीकल्चर। और डायरेक्टली मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, जो कैंपस है बिरसा एग्रीकल्चर का ओरिजिनल कैंपस यानी कि मेन कैंपस, इसमें जाहिर सी बात है इसमें पढ़ाई अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा होगा और आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा। ऐसे वहाँ भी होगा, वहाँ भी क्लासेस होंगे, सब कुछ होंगे, होते होंगे, लेकिन कंपेयर करना मुश्किल है कि वो अच्छा है या बुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ऋषि का राज, इस कॉलेज में मैथ्स कैसा है? दोस्तों ये कॉलेज अगेन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए है, तो इनका क्वेश्चन है कि मैथ्स कैसा है। तो मैंने इसको जवाब दिया था यूट्यूब के अंदर कि झारखंड बिहार क्लास, यानी कि झारखंड और बिहार में जैसा मैथ्स होना चाहिए वैसा मैथ्स है, यानी कि मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खा पी सकते हैं। और वैसे पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो आपको मैथ्स की पहले से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड बिहार के अगर हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने हिसाब से फूड मिलेगा। ये सवाल तब आपको जायज़ होता जब आप झारखंड बिहार के हैं और आप साउथ में पढ़ने जा रहे हो, तो ऐसा सवाल पूछ सकते थे। झारखंड में रह के ऐसा सवाल उचित नहीं लगता, मेस का यहाँ सब कुछ व्यवस्था टाइट है, आप आराम से अपना एडमिशन लेके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ये दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है विक्की शर्मा, भैया उस कॉलेज में डेली क्लास चलती है, मुझे भी बीएयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन करना है। तो दोस्तों विक्की शर्मा, आपको बताना चाहूँगा कि क्लासेस यहाँ पर रेगुलर होती है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। 75% अटेंडेंस मस्ट है और पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है, डिपेंड करता है आप पे खुद पे कि आप किस डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक ब्लॉग बनाया था ग्रीन हाउस को लेकर के, तो उसमें विकास महातो करके लड़का है, उसने सवाल किया, भैया क्या इसमें बॉटनिकल प्लांट भी यूज़ होता है? तो ग्रीन हाउस के अंदर में बॉटनिकल प्लांट्स, मतलब ऑल प्लांट्स आर बॉटनिकल प्लांट्स, ओनली ऑल प्लांट्स आर बॉटनिकल प्लांट। तो कहने का मतलब है कि ग्रीन हाउस के अंदर में आप जो भी प्लांट्स आप अपना उसको अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ उसको हीट चाहिए रहेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए रहेगा, एयर ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहेगा, तो ग्रीन हाउस के अंदर हम उसको इसलिए रखते हैं ताकि उसको कोई बाहरी दुनिया से उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उस प्लांट को उसको हीट मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके, उसको स्प्रिंकलर से सही अमाउंट में वाटर मिल सके, मॉइस्चर मिल सके, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी सब कुछ कंट्रोल होता है, इसीलिए हम ग्रीन हाउस के अंदर में प्लांट लगाते हैं तो वो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। इन्होंने पूछा है कि मेरा रैंक 652 है, तो क्या RAC यानी कि रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिलेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेकंड काउंसलिंग तक आपको इसका इंतजार करना होगा। फिर से एक बंदा है प्रवीण कुमार, इसने बोला भैया आपका नंबर दे सकते हैं क्या? तो फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगेन दूसरा क्वेश्चन है प्रेरणा पंखुरी से, और इनका क्वेश्चन है, हेलो भैया प्लीज़ बताओ ना फॉरेस्ट्री में स्कोप क्या है, क्या मुझे सीट अलॉट हुआ है, एडमिशन लूँ या नहीं, बट कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो प्रेरणा पंखुड़ी, आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एडमिशन मिला है या अलॉटमेंट मिला है बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए तो आपको बहुत अच्छा मिला है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको बहुत ही अच्छा कोर्स मिला है, और आप निस्संदेह आँख बंद किए हुए इसमें एडमिशन लीजिए और 4 साल का डिग्री कोर्स में एडमिशन लीजिए और पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, तो गारंटी के साथ आपका करियर ब्राइट है और फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, दूसरा सवाल भी प्रेरणा पंखुड़ी से है कि बीएससी नर्सिंग इन रिम्स में भी सीट मिला है, किस में एडमिशन लूँ? अब देखिए सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए सीट अलॉट हुआ है तो उसमें एडमिशन लूँ कि नहीं लूँ, तो आप बेहिचक लेते जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अब दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है, आप इसमें पूछ रहे हैं कि नर्सिंग रिम्स में, नर्सिंग में एडमिशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है, तो उसमें लूँ या बीएससी फॉरेस्ट लूँ? तो मैं कहना चाहूँगा, हमेशा मेडिकल लाइन अच्छा होता है, चाहे स्कोप अच्छा होता है, कमाने का जरिया अच्छा होता है, और आपको मैंने आंसर भी दिया था यूट्यूब में ही, जैसे कि ऑलवेज मेडिकल लाइन्स आर फार बेटर बिकॉज दैट हैज़ मच मोर स्कोप, देयर आर लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर देयर, इफ़ नॉट गवर्नमेंट देन यू कैन वर्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बट फॉरेस्ट्री हैज़ ओनली गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड सम NGOs विच गिव्स जॉब इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है,
बट आप अगर मेडिकल लाइन्स में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मान सम्मान, आपका इस वक्त जो फॉरेस्ट्री का जो इज्जत बन है वो थोड़ा सा डूबा हुआ है, क्योंकि हमें रेंजर में डायरेक्टली लिया नहीं जा रहा है और रेंजर का वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा, नहीं तो नर्सिंग से लाख गुना अच्छा फॉरेस्ट्री का कोर्स है। जैसे दूसरे राज्यों में फॉरेस्ट्री को सीधे 4 साल के बाद आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको सोल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है दूसरे राज्यों में, जैसे हिमाचल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, इस तरीके के राज्यों में सोल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी फॉरेस्ट्री वालों का, तो आप सीधे रेंजर बन जाएंगे। यानी कि नर्सिंग से कई गुना अच्छा है रेंजर का जॉब पोस्ट वैकेंसी। तो अगर आप झारखंड में भी अगर ऐसा कुछ होता तो जाहिर सी बात है मैं आपको फॉरेस्ट्री लेने बोलता, लेकिन अभी आप बीएससी नर्सिंग में गए हैं तो आपका करियर नर्सिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा मेरे चैनल पे जो भी सवाल पूछे गए थे उनका मैं आज जवाब देने का प्रयास किया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं जवाब दूं, पर आज मैंने जवाब देने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। मुझे आप लोगों का सपोर्ट, मुझे आप लोगों का प्यार की आवश्यकता है, आप मुझे देते रहिए। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।